फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक के बारे में जो कि डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। उस एंटीबायोटिक का नेम है सिफोडॉक्सिन। यह एक सिफोरोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन है जो कि हमारी बॉडी में इंटेक करने के बाद बैक्टीरिया को किल करके हमें डिसीज से छुटकारा दिलाती है। आज हम बात करेंगे यह हमारी एंटीबायोटिक जो हमारी ये मेडिसिन है ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से कार्य करती है तथा इसके क्या क्या डोज हो सकते हैं, क्या यह दिन भर में कितनी बार लिया जा सकता है, क्या यह हम प्रेग्नेंट महिलाओं में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या हम बच्चों में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं इसका कितना डोज दिया जा सकता है, कितना डोज नॉर्मल व्यक्ति को दिया जाता है। आज हम बात करेंगे इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और यह किन किन नामों से हमें मार्केट में उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं हूं आपका होस्ट पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्राइमरी हेल्थ केयर। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। अब हम जान लेते हैं इसका उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। इसका उपयोग 1 से 2 दिन में हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि मूत्र मार्ग से जुड़ा इन्फेक्शन हो या थ्रोट होता है या ब्रोंकाइटिस जैसी कोई भी समस्या होती है या फिर फीवर आता है या फिर किसी व्यक्ति को जननांगों में हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यह मेडिसिन बच्चों एवं प्रेग्नेंट महिलाओं में दोनों में ही यूज की जाती है क्योंकि यह ग्रुप बी की दवा है, इसलिए इस दवा को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी ना लें। अब हम जान लेते हैं यह किन किन नामों से हमारे मार्केट में उपलब्ध है और इसके क्या क्या स्ट्रेंथ में आती है। यह जो टैबलेट है सिफोडॉक्सिन मोनोसेप को करके आती है। ये जो टैबलेट है ये आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें वो 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम में हमारे मार्केट में उपलब्ध होती है, जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इजिली परचेज कर सकते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। जो कि बच्चों के लिए डोज है वो 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से सुबह और शाम दोनों टाइम ही दिया जा सकता है। और अब हम इसके एडल्ट डोज के बारे में बात करें तो वह 200 मिलीग्राम का जो टैबलेट है वह सुबह ले सकते हैं और 200 मिलीग्राम का टैबलेट शाम को भी ले सकते हैं। अगर हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो वह 400 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो कि सबसे पहला जो साइड इफेक्ट आता है, मुंह का सूखना, बहुत ज्यादा थकान लगना, सर दर्द होना, मितली या उल्टी जैसी समस्याएं होने लगती हैं, इसलिए इस टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट पुष्पेंद्र और आप देख रहे थे अपना चैनल प्राइमरी हेल्थ केयर। थैंक यू फ्रेंड्स, बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।